Bismillahirrahmanirrahim. Today we are solving the conceptual questions of last chapter of physics class 9. The name of the unit is thermal properties of matter. First question is, why white clothes are preferred wearing in summer? Explain briefly. हम गर्मियों में वाइट क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं. डार्क बॉडीज जो हैं वो ज़्यादातर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं. वाइट कलर हमें इसलिए वाइट नज़र आता है कि ये सन की तमाम रेडिएशन तमाम कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है और हमें मालूम है जब तमाम कलर्स मिल जाते हैं तो वाइट कलर बनता है. गर्मियों में हम वाइट क्लोथ इसलिए पहनते हैं कि ये सन की तमाम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है और हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती. आंसर, रेडिएशन ऑफ हीट. द हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस with or without having a material medium in between is called radiation. There are three modes of transfer of heat, in which one is radiation. Radiation is a method in which heat transfer with or without having a material medium. Good and bad absorbers. Some surfaces are better absorber of radiation than others. Reason: we wear light color clothes in summer season because light color clothes absorb minimum radiation and reflects maximum radiation, thus we feel cool. While in winter we wear dark color clothes because it is good absorber of heat and thus keeps our body warm. Question 2. Why is the freezer compartment kept at the top of the refrigerator? Explain briefly. जहाँ बर्फ बनता है रेफ्रिजरेटर में वो ऊपर ही बनाया जाता है. आपने नहीं देखा होगा कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नीचे हो. तो इसकी बेसिक वजह ये है, फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में हीट ट्रांसफर का जो मोड यूज होता है वो है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में होल पार्ट ऑफ हीट और बॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है. रेफ्रिजरेटर का अपर कंपार्टमेंट जिसमें एवोपोरेटर भी होता है, ये एवोपोरेटर हीट को बाहर निकालता है और इनसाइड द कंपार्टमेंट हवा को ठंडा रखता है. जब ये एयर ठंडी हो जाती है तो ये भारी होके नीचे आती है और गर्म हवा हल्की होके ऊपर जाती है. इस वजह से फ्रीजर को ऊपर रखा गया है कि जब फ्रीजर में एयर कूल होगी तो वो हैवी होके नीचे की तरफ आएगी और रेफ्रिजरेटर का जो निचला हिस्सा है जिसमें हम सब्जी और फूड वगैरह रखते हैं वो भी ठंडा रहेगा और यहाँ से गर्म हवा, जब हम कोई गर्म चीज़ इसमें रखते हैं तो वहाँ पे एयर हॉट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है. ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है और तमाम रेफ्रिजरेटर ठंडा रहेगा. Answer: convection. Convection is the process of heat transfer by actual movement of the heat particles of material medium from hotter to a colder place. Reason: in a refrigerator, convection is used to circulate cold air around the food. Air is cooled by the freezer compartment at the top of the refrigerator. As it sinks, it is replaced by warmer air rising from below. The circulating air
carries heat energy away from all the food in the fridge. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर है इसमें ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और ये जो रेड कलर में एरोस बनाए गए हैं ये हॉट एयर को शो करता है जो ऊपर की तरफ जाती है। ये सर्कुलेशन मुसलसल रहती है और तमाम कंपार्टमेंट ठंडा रहता है। क्वेश्चन 3, अ ब्लैक कार स्टैंडिंग इन द सन वार्म्ड अप मोर क्विकली देन अदर वाई। ब्लैक कलर ब्लैक इसलिए है कि ये तमाम रेडिएशन ऑफ द सन एब्जॉर्ब करता है और क्योंकि सन हमारे लिए हीट लेकर आता है इसका मतलब है कि ब्लैक कलर और ब्लैक कार जो है वो दूसरे कलर्स के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होगी क्योंकि वो तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। आंसर थर्मल रेडिएशन। इट इज़ फाउंड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर कोल्ड और हॉट रेडिएट हीट। अ हॉटर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट देन एन आइडेंटिकल कोल्डर बॉडी। रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। ब्लैक आर डार्क कलर्स। ब्लैक आर डार्क कलर्स आर पुअर रिफ्लेक्टर्स एंड गुड एब्जॉर्बर। रीजन, अ ब्लैक कार स्टैंडिंग इन द सन वार्म अप मोर क्विकली देन अदर बिकॉज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन स्ट्राइकिंग इट। क्वेश्चन 4, व्हाई अ टाइल फ्लोर फील्स कोल्डर टू अ बेयर फीट देन अ कारपेटेड फ्लोर। हमें टाइल वाला फर्श जो है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है एज कम्पेयर टू कारपेटेड फ्लोर। द बेसिक रीजन इज थर्मल कंडक्टिविटी। टाइल्स हमारी बॉडी से ज़्यादा हीट कंडक्ट करती है एज कम्पेयर टू कारपेटेड फ्लोर। इस वजह से जब हमारी बॉडी से हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी तो हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। आंसर, थर्मल कंडक्टिविटी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट इनर्जी। रीजन, द टाइल फ्लोर फील्स कोल्डर टू द बेयर फीट देन अ कारपेटेड फ्लोर बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द टाइल फ्लोर इज ग्रेटर देन कारपेटेड फ्लोर। टाइल फोल कंडक्टेड हीट अवे फ्रॉम अवर फीट एंड वी फील कोल्डर टू अ बेयर फीट। अ कारपेटेड फ्लोर डज नॉट फील कोल्ड टू अवर फीट बिकॉज इट कंडक्ट्स हार्डली एनी हीट फ्रॉम अवर फीट। क्वेश्चन 5, हाउ वुलन स्वेटर कीप्स अस वार्मर इन विंटर। वुलन स्वेटर असल में बैड कंडक्टर ऑफ हीट है इसलिए वो हमारी बॉडी से हीट को इन्वायरमेंट की तरफ ट्रांसफर नहीं करता और वो हमें गर्म रखता है। आंसर, कंडक्शन ऑफ हीट। द कंडक्शन ऑफ हीट इज दैट प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल बाय कोलिजंस। बैड एंड गुड एंड बैड कंडक्टर। सम मटीरियल्स अलाउ हीट टू कंडक्ट थ्रू देम ईजिली। दे आर कॉल्ड हीट कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। दोज मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड हीट इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, रबर, वुल, एयर। रीजन, वुलन स्वेटर हैव फाइन पोर्स फिल्ड विद एयर। एयर एंड वुल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दस हीट फ्रॉम अवर बॉडी डू नॉट फ्लो आउट टू द एटमॉस्फेयर। दस द वुलन स्वेटर्स केप्ट अवर बॉडी। दस द वुलन स्वेटर्स कीप अवर बॉडी वार्म इन विंटर। क्वेश्चन 6, इन सर्टन प्लेसेस बर्ड्स कैन फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग। एक्सप्लेन। यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन मीन्स द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीट पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है और उसमें ये बर्ड जो है वो भी अपने पर फैला लेते हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं।
Answer: Convection. Convection is the process of heat transfer by actual movements of the heated particles of material medium from hotter to the colder place. Reason: Thermals are streams of hot air rising in the sun. They are convection currents. Birds are able to fly for hours on thermals without flapping their wings. Question 7. Good quality thermos bottle is double walled and evacuated between these walls, and the internal surfaces are like mirror with a silver coating. How does this configuration combat heat loss from all three transfer methods and keep the bottle's contents, your coffee, hot? Thermal flask किस तरीके से ठंडी चीज़ों को ठंडा और गर्म को गर्म रखता है? यहाँ पे देखें तो तीन ट्रांसफर ऑफ हीट्स के मेथड्स हैं, उनको यहाँ पे रोका गया है। यहाँ पे ये जो इनसाइड यहाँ पे गिलास है, इसको सिल्वर कलर किया जाता है, क्योंकि सिल्वर कलर गुड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट एंड लाइट है, तो रेडिएशन फ्रॉम हीट इस फ्लास्क में से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा इनसाइड चली जाती हैं। इसी तरीके से ये जो गिलास है ये डबल वॉल्ड है, ये जो गिलास है ये डबल वॉल्ड है, यानी इसकी दो दीवारें हैं और बीच में जगह खाली है। तो क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, इसलिए हीट ट्रांसफर वैक्यूम में से नहीं हो सकती। रेडिएशंस को, क्योंकि रेडिएशंस तो बगैर मीडियम के भी ट्रांसफर कर ट्रेवल करती हैं, इसलिए रेडिएशंस को सिल्वर कलर से रोका गया है। और कन्वेक्शन को इस डबल वॉल्ड वैक्यूम से रोका गया है, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है और यहाँ पे इन दो वॉल्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं, इसलिए ना हीट बाहर जा सकती है और ना अंदर आ सकती है। तीसरा, इसको इस पूरे फ्लास्क को प्लास्टिक मटेरियल से पैक किया गया है, जिसकी वजह से कंडक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि कंडक्शन इंसुलेटर में बहुत कम होती है। इसलिए ये तीनों मेथड यूज करके इस थर्मोफ्लास्क को बनाया गया है और तीनों तरीके से हीट को रोका गया है कि अगर ठंडी चीज इस फ्लास्क में पड़ी है तो हीट बाहर से ना आ सके, और अगर गर्म कोई लिक्विड इस फ्लास्क में पड़ा हुआ है तो वो बाहर ना जा सके। आंसर: थर्मोस फ्लास्क द वेसल विच इज यूज टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज कॉल्ड थर्मोस फ्लास्क। मैकेनिज्म ऑफ थर्मोस फ्लास्क: इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल गिलास vessel silvered on the side. The purpose of the silvering is to reflect all recent heat trying to enter or leave the vessel. The space between the walls is highly evacuated to prevent convection. The glass being a poor conductor minimizing conduction of heat. The heat loss through the flask is so small that a hot liquid place in the flask will remain hot for a long time. A cold thing placed in the flask will remain cold for a long time because flow of heat from the outer side will be very small. Question 8. A piece of wood lying in the sun absorbs more heat than a piece of shining metal. Yet the metal feels hotter than the wood. Pick it up. Explain. अगर वुड और मेटल दोनों सन में पड़े हुए हैं, वुड ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, उसकी थर्मल
उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटल, लेकिन अगर हम मेटल को टच करेंगे तो वो ज़्यादा हमें हॉटर फील होगा। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे बेसिक आइडिया जो है वो है थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो हीट कंडक्ट करता है, और मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी वुड से ज़्यादा है, यानी मेटल में हीट वन प्लेस से अदर प्लेस या एक जगह से दूसरी जगह जल्द ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जब हम मेटल को हाथ में लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा गर्म महसूस होते हैं, अगरचे दोनों एक ही धूप में एक ही वक्त के लिए पड़े थे। तो यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी डिफिनीशन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एनर्जी। अब यही रीज़न है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। वर्ड्स में इस तरह हम इसको कर लेंगे कि व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट अ लोअर टेम्परेचर देन यूर फिंगर द ऑब्जेक्ट फील्स कोल्ड बिकॉज हीट गोज थ्रू योर फिंगर्स इन टू द ऑब्जेक्ट। जब हम एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें वो ठंडी क्यों महसूस होती है? हम क्यों कहते हैं कि ये कोल्ड है? क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम है, इसलिए हीट हमारी बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और हमें वो ऑब्जेक्ट ठंडा महसूस होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर वन। हमें पता है कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज हंड्रेड्स टाइम्स मोर देन वुड। वुड ट्रांसफर्स हीट अबाउट 500 टाइम्स मोर स्लोली देन मेटल। मेटल कंडक्ट्स हीट आउट ऑफ यूर फिंगर्स अबाउट 500 टाइम्स फास्टर देन वुड। मेटल 500 गुना ज़्यादा जल्दी हीट ट्रांसफ़र करती है एज कम्पेयर टू वुड। बाय द वे, इफ़ यू सेट द बार ऑफ मेटल एंड स्टिक ऑफ वुड इन द सन, यू विल नोटिस दैट द बार मेटल क्विकली बिकम्स टू हार्ड टू टच वाइल द वुड डज नॉट। द डिफरेंस इन देयर थर्मल कंडक्टिविटीज इज रिस्पॉन्सिबल। तो वजह क्या है थर्मल कंडक्टिविटी की? वुड ट्रांसफर्स हीट स्लोली एंड मेटल हीट ट्रांसफर क्विकली, सो वी फील मेटल मोर हॉटर देन वुड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9। सम पोर्ट हैंडल रिमेन कूल ड्यूरिंग कुकिंग व्हाइल अदर बिकम अनप्लेजेंटली हॉट। What determines which handles remain cool and which becomes hot? यहाँ पे भी थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट है कि वो ऑब्जेक्ट्स जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है वो हीट स्लोली ट्रांसफ़र करती है, उनके बने हुए हैंडल्स हमें ठंडे महसूस होंगे, और वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो और उससे हैंडल्स बने हैं तो वो हमें ज़्यादा गर्म महसूस होंगे क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे भी पहले डिफिनीशन है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट ट्रांसफ़र। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की हीट ट्रांसफ़र करने की सलाहियत को शो करता है। रीज़न, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। इट डायरेक्टली रिलेट्स विद क्रॉस सेक्शन एरिया, द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द टाइम इंटरवल इन विच हीट फ्लोज, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम इक्वेशन से समझ लेते हैं।
हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है डायरेक्टली किस चीज पे, एक टाइम पे, जितना टाइम ज्यादा गुजरेगा हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना एक सब्सटेंस थिक होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा हीट जल्दी ट्रांसफर होगी। दूसरा है टेम्परेचर डिफरेंस, अगर एक बॉडी के दो साइड या दो एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। और यही हीट ट्रांसफर इन्वर्सली रिलेटेड है लेंथ के साथ, लेंथ जितना ज्यादा होगा हीट कम ट्रांसफर होगी। अब देखें ये आपके पास दो रॉड्स हैं, यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है यहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये भी पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर यहाँ पे हमने कोई हीट सोर्स रखा है, ये 10 सेकंड के लिए हमने रखा और ये 20 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी क्योंकि टाइम ज्यादा है। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इसकी मोटाई ज्यादा है, इसको देखें मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ, तो क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, अगर एक एंड पे 0 सेंटीग्रेड है और दूसरे एंड पे 100 सेंटीग्रेड है, इसी तरीके से एक दूसरा रॉड है जहां पे एक एंड 10 सेंटीग्रेड पे है और दूसरा 50 सेंटीग्रेड पे है, तो यहां पे इस जगह पे हीट जल्दी ट्रांसफर होगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, 100 माइनस 0 से 100 आता है और 50 माइनस 10 से 40 आता है। तीसरी चीज है लेंथ, लेंथ इन्वर्सली रिलेटेड है, अगर एक का लेंथ ज्यादा है और एक का कम है तो जिसका लेंथ कम होगा वहां पे हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। तो इन तमाम फैक्टर्स पे हीट डिपेंड करती है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, इट डायरेक्टली रिलेट्स विद क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल, इन तीनों फैक्टर्स पे डायरेक्टली है, इन विच हीट फ्लोज एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, और लेंथ ऑफ द सब्सटेंस के साथ इन्वर्सली है। द हैंडल्स प्रिपेयर फ्रॉम द सब्सटेंस विच हैव ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी बिकम हार्ड एंड द हैंडल्स विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ लेस थर्मल कंडक्टिविटी रिमेन। The handles prepared from the substances which have greater thermal conductivity become hard and the handles which are prepared from the substances of less thermal conductivity remain good. जिन सब्सटांस की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे, और जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी वो हैंडल्स जल्दी गरम नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्हेन सनलाइट वार्म द लैंड बिसाइड अ कूल बॉडी ऑफ वाटर अ ब्रीज बिगेंस टू ब्लो फ्रॉम द वाटर टुवर्ड्स लैंड, एक्सप्लेन। तो आंसर है इसमें जो कंसेप्ट है वो कन्वेक्शन का है। व्हाट कन्वेक्शन, ये हीट ट्रांसफर मोड है, इसमें हीट एनर्जी वन पार्ट से या वन प्लेस टू अदर प्लेस या हॉटर प्लेस टू
कोल्डर प्लेस ट्रांसफर होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हीट, जिस तरीके से हम पानी गर्म करते हैं या हीटर की मदद से कमरा गर्म होता है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर या वाटर या लिक्विड होता है। तो कन्वेक्शन, इसकी डिफिनीशन है कि कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल मीडियम फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर प्लेस। रीजन है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आप इसको सिर्फ पढ़ लें। कन्वेक्शन कॉजेस कोस्टल ब्रीज, कोस्टल ब्रीज में समंदर के साहिल पे जो हवाएं चलती है उसका जो रीजन है वो कन्वेक्शन है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द सी, यानी वाटर। द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टू रिप्लेस इट। दस देयर इज सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। दिन को जो गर्म हवाएं हैं जमीन की वो ऊपर उठती हैं और उसकी जगह लेने के लिए समंदर की हवाएं चलती हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब है, दस देयर इज अ सी ब्रीज ड्यूरिंग डे। तो इस तरह समंदरी हवाएं दिन को चलती हैं। एट नाइट द रिवर्स हैपन्स, रात को इसके बरक्स होता है। द लैंड कूल्स मोर क्विकली देन सी। द हॉट एयर ओवर द सी राइजेज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टू रिप्लेस इट। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। रात को समंदर पे जो हवाएं हैं क्योंकि वो गर्म होती हैं इसलिए वो ऊपर उठती हैं और इसको फिल करने के लिए लैंड से हवाएं समंदर की तरफ चलती हैं, इसको हम फिर लैंड ब्रीज कहते हैं। इस तरीके से मूवमेंट ऑफ एयर तमाम दिन और रात होती रहती है और समंदर के करीब जो इलाके हैं उनकी जो मौसम है वो मॉडरेट रहता है, मोतदिल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी।